गौना के मैनौन विधानसभा में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा के सचिव ने आरोप लगाया है कि विशेष जातिगत इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ता जिंदा आदमियों को मृतक दिखाकर वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। वहीं वोटर लिस्ट में लगे कर्मचारी भी इन मामलों में संलिप्त हैं। समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा राष्ट्रीय सचिव ने कर्मचारियों को साक्ष्य भी दिखाए। हालांकि जिले के निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा राष्ट्रीय सचिव ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता देख अब इस तरह से खेला कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता के दबाव में काम कितना सही होता है। तो गौंडा की तस्वीरें जहां पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय सचिव ने यह आरोप लगाए हैं कि यहां पर जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको मृतक दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं और बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए हैं। और गोंडा से मेरे सहयोगी राजमंगल मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजमंगल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? महिला मोर्चा राष्ट्रीय सचिव बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, कितने सही आरोप? काजल, बिल्कुल, जिस तरह से एक प्रकरण आया है ये बहुत बड़ा मामला है। जो समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने प्रज्ञा सिंह ने आरोप लगाया है बीजेपी वालों के ऊपर कि ये कर्मचारियों से मिल करके और जो जिंदा लोग हैं उनको मृतक दिखा करके वोट उनका वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है नाम, और हर गांव से लगभग 100 ऐसे नाम काटे जा रहे हैं। विशेष समुदाय के जो मुस्लिम समुदाय के हैं ये बीजेपी वाले इस तरह से करवा रहे हैं क्योंकि उनके सर्वे में जो है वो समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक नई चाल है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। वही इस मामले पूरे मामले में क्या कोई जांच हो पाई है? अभी तक तो कोई जांच नहीं हुई, लेकिन इस मामले पे जब अपर निर्वाचन अधिकारी से हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मामला जो है आप लोगों के द्वारा हमारे संज्ञान में आया है और इसकी निष्पक्ष जांच हम करवाएंगे, इसकी टीम बनवा करके टीम गठित करेंगे और हम इसकी गहनता से जांच करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वही राष्ट्रीय सचिव का आरोप है कि कर्मचारियों से, छोटे कर्मचारियों से मिल करके भाजपा कार्यकर्ता इस तरह से नाम कटवा रहे हैं विशेष समुदाय का जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो महिला मोर्चा राष्ट्रीय सचिव का बीजेपी पर यह गंभीर आरोप कि जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको मृतक दिखाकर बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम